बड़ी खबर, बिहार में बीजेपी ने महागठबंधन के खिलाफ एक आरोप पत्र जारी किया है जिसमें कांग्रेस और राजद पर कई बड़े आरोप लगाए गए हैं। बीजेपी के जारी आरोप पत्र में इंडिया गठबंधन को ठग बंधन बताया गया है। इस आरोप पत्र में 2G घोटाला, चारा घोटाला से लेकर अलकतरा घोटाले की पूरी सीरीज गिनाई गई है। और आपने देखा होगा कि कई संगठनों ने अपने बयान जब घोषणा पत्र जारी किया उसमें स्पष्ट हो गया, कुछ लाल झंडे के लोगों ने तो यहां तक कहा कि जो परमाणु हथियार हमारे पास है जब हमारी सरकार बनेगी तो हम इसको समुद्र में डाल देंगे। आप सोचिए, भारत को कमजोर करने वाले, महागठबंधन बनाने वाले उनकी प्रामाणिक विकास की चिंता नहीं करते। इसलिए मैंने अपने टिप्पणी में मोदी जी की सरकार ने देश के अल्पसंख्यक गरीबों वंचितों के लिए क्या काम किया आपको बताया। और मोदी जी की सरकार है जिसने एक सम्मानीय दलित को देश का राष्ट्रपति बनाया, एक बहुत सम्मानीय आदिवासी नेत्री को भारत का राष्ट्रपति बनाया। भाई, कांग्रेस बीजेपी के जारी आरोप पत्र के ऊपर हमलावर हो गई है। उल्टा चोर कोतवाल को डांटे की कहावत, चरितार्थ करने का आरोप लगा रही है। भाई, बीजेपी ने कहा है कि सभी ठग अब एक साथ आ गए हैं। भाजपा ने आज आरोप पत्र जारी किया, वो लोग इतना बड़ा इलेक्शन बॉन्ड का लूट कांड उसने किया, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, वही तो ये हो रहा है। ठगों की जमात, पहले बिहार को ठगा, अब देश को ठगने के लिए इंडी गठबंधन बनाया, और ये ठगों की जमात बिहार की जनता की गाढ़ी कमाई लूटा, जिसको माननीय न्यायालय ने साबित ही नहीं किया, सजायाफ्ता किया है। और ऐसे लोगों की जमात इंडिया को सुनियोजित ढंग से फिर से लूटने का अपने परिवारवाद की जिम्मेदारी स्थापित करना चाहते थे, उनके चेहरे को उघाड़ने के लिए हम लोगों ने जनता के बीच अपने रिपोर्ट को लेकर गया। उधर उत्तर प्रदेश के मेरठ में रामायण सीरियल के राम और बीजेपी उम्मीदवार अरुण गोविल ने रोड शो किया। इस दौरान उन्होंने न्यूज 18 इंडिया की टीम से बातचीत भी की। यह दावा किया कि जनता उनके समर्थन में है। अरुण गोविल के साथ रामायण के सीरियल की सीता यानी कि दीपिका चिखलिया और लक्ष्मण यानी सुनील लहरी भी प्रचार के लिए मेरठ पहुंचे। उन्होंने दोबारा मेरठ आने की बात भी कही। राम, लक्ष्मण और सीता निकल चुके हैं जिन्होंने रामायण में किरदार निभाया था, मसलन अरुण गोविल, दीपिका और सुनील लहरी। ये आप मेरठ की सड़कों पे इन तीनों को आप देख सकते हैं। मेरठ से लोकसभा के प्रत्याशी हैं अरुण गोविल जी, यह रोड शो कर रहे हैं रामायण के किरदारों के साथ, और कमोवेश इसी तरीके से वह समर्थन जुटाने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए तस्वीरों में, देखिए राम, लक्ष्मण और सीता का यह किरदार है, इन्होंने ये निभाया था और अब यहाँ पर ये आए हुए हैं। और इससे पहले अरुण गोविल ने अपना नामांकन किया था और पीएम ने भी जन समर्थन में इनके रैली की थी, और इसके बाद अब यहाँ पर ये मेरठ की जनता के बीच में यहाँ पर आए हैं। अरुण जी क्या कहना चाहेंगे आप अभी सड़कों पर निकले हैं और रामायण के कैरेक्टर्स के साथ निकले हैं, क्या कहना चाहेंगे? इसमें कहना क्या है, आप देख रहे हैं कितना अच्छा लग रहा है सबको, जी हमें भी बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा ये बताइए कि आप लोगों ने सालों तक एक आध्यात्मिक किरदार निभाया है और पर्दे पर निभाया है, तो क्या समझते जनता इस पर अपना कुछ इफेक्ट, ये रोड शो असर डालेगा, ये रोड शो क्या जनता पर असर डालेगा? सर आप देख रहे हैं कि क्या हो रहा है, मुझे तो लगता है कि डाल रहा है, डालेगा नहीं, डाल रहा है। भगवान राम के साथ आप ऑन स्क्रीन सीता थी, आपका ये रोड शो क्या जनता पर असर डालेगा? ये दिखाएगा कि ये हिंदुस्तान में राम, लक्ष्मण, सीता हमेशा एक साथ है। ये बताइए कि अब आने वाले दिनों में भी आप आएंगे क्या, और आएंगी मेरठ आगे? ये आएंगी, मेरठ लगातार आती रहेंगी, और जो इनका यह जो इनकी अपील है, जो इनका जो एक तजुर्बा है, यह जनता तक जरूर ये पहुंचेगा। और इस तरीके से मेरठ की सड़कों पर यहाँ पर राम, लक्ष्मण, सीता उतर चुके हैं चुनावी प्रचार मैदान में। कैमरा पर्सन विपिन पुजारी के साथ अमित पांडे, मेरठ, न्यूज 18 इंडिया।
और इन सब के बीच दिल्ली के आरएमएल अस्पताल ने केजरीवाल के इलाज के तरीके में बदलाव की जरूरत से इनकार किया है। हालांकि तिहार प्रशासन को लिखी चिट्ठी में केजरीवाल के ब्रेकफास्ट और लंच के समय को बढ़ाने की सलाह दी गई है। केजरीवाल की डाइट के ऊपर मचे इस घमासान के बीच न्यूज 18 इंडिया से तिहार के डीजी ने बात की। ये बताया कि खाने के मेन्यू आईसीएमआर गाइडलाइन के तहत ही बनाया जाता है और इसके साथ ही तिहार में इस वक्त शुगर के करीब 900 से ज्यादा कैदी है जिन्हें दवाएं इंसुलिन जरूरत पड़ने पर दी जाती है। अब सरकार से नियुक्त सीनियर डॉक्टर इन सभी बातों का ख्याल रखते हैं। हमारे साथ बात करने के लिए डीजी तिहाड़ संजय बेनीवाल जी हैं। सर, आम आदमी पार्टी रोज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही है, कोर्ट तक चली गई है, आरोप लगा रही है, धीमा जहर अरविंद केजरीवाल को दिया जा रहा है, खाना नहीं मिल रहा है, बीमार हैं, उनकी तीमारदारी नहीं हो पा रही है जेल में। सर, बिल्कुल निष्पक्ष तरीके से जानना चाहेंगे, आप डीजी हैं, 20,000 से ज्यादा कैदियों का भार आपके ऊपर है, इस पर पहली प्रतिक्रिया क्या है? किस चीज पर? अरविंद केजरीवाल को लेकर जो आरोप लग रही पार्टी लगा रही है। मैं राजनीति में नहीं हूँ, मैं एक गवर्नमेंट ऑफिसर हूँ, तो मेरे पास मेरे कानून हैं, मेरा मैनुअल है जिसके तहत मैं काम करता हूँ। आई डोंट लाइक टू कमेंट ऑन पॉलिटिक्स, आई एम सॉरी। सर, अरविंद केजरीवाल अगर एक मुख्यमंत्री छोड़ दें, हम एक कैदी के तौर पर अगर देखें, 20,000 कैदी हैं, अगर उन्हें एक सामान्य एक नागरिक के तौर पर देखें, तो क्या वो अपने मानवाधिकारों का उपयोग, मौलिक अधिकारों का उपयोग जेल के अंदर कर पा रहे हैं जैसे बाकी कैदी करते हैं? आपने जैसा कहा, मेरे पास किसी भी दिन 20,000 से अधिक कैदी होते हैं। ये एक छोटे शहर जैसा होता है, तीन परिसर में है और 16 जेलों के बीच में है, और उसके बावजूद भी हमारे यहाँ एकोमोडेशन की समस्या रहती है, समस्याएं उसी के हिसाब से बढ़ती हैं। लेकिन हर कैदी को मैनुअल के आधार पे जो उसका अधिकार है उसको मुहैया कराना मेरा इट्स माय बाउंडेड ड्यूटी। जैसे आप कहते हैं कि जैसे 10 कैदियों पे एक बाथरूम होना चाहिए, चाहे वो स्थिति है हमारे यहाँ, या जैसे जिस समय आप कैदी हैं तो जो भी अंदर हमारे साथ रह रहे हैं उनके मानसिक और मतलब वैचारिक में बदलाव लाने के लिए मेडिटेशन स्किल साइकोलॉजिकल प्रोग्राम्स बहुत सारी वर्कशॉप होते होती है, वो कराना है, वो तो सभी के लिए उपलब्ध होता है। अब वो हो रहा है, बहुत सो में कई लोगों की रुचि होती है वो ज्वाइन करते हैं, कईयों की रुचि नहीं होती वो नहीं ज्वाइन करते, ये तो इंडिविजुअल होता है। लेकिन बेसिक राइट्स जो आपको एज पर जेल मैनुअल आपकी होनी चाहिए वो सबको मिलते हैं, मिलने चाहिए। जब उनका उल्लंघन होता है तो उसके लिए करेक्टिव स्टेप्स भी लिए जाते हैं।